हाय पीपल आज की इस वीडियो में हम मद्रास हाईकोर्ट का रीसेंट जजमेंट पढ़ने वाले हैं जिसमें उन्होंने बोला है थर्ड जेंडर दैट इज ट्रांसजेंडर आर इंटाइटल्ड फॉर अ स्पेशल रिजर्वेशन आज हम इस केस को डिटेल में डिस्कस करेंगे उससे पहले हम ये समझते हैं कि कौन सा जज को नाम क्या था व्हाट वॉज द नेम ऑफ द केस जिसमें कि मद्रास हाईकोर्ट ने यह जजमेंट दिया है सो द नेम ऑफ द केस वॉज

इन देशल कैटेगरी इज नॉट अ मेयर ओमेजन बट इट इज़ इन वोलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गाइड लाइंस एज वेल एज द ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन यानी कि कोर्ट ने बोला पिटिशनर को जो इंक्लूड नहीं किया गया है स्पेशल कैटेगरी में ये सिर्फ एक ओमेजन नहीं है बल्कि ये इट इज़ अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन गाइडलाइंस एज वेल एज द एक्ट अब पिटिशनर मतलब यहाँ क्या होता है पेटिशनर मतलब वो इंसान जो कोर्ट के सामने केस लेके आता है उसको हम बोलते हैं पेटिशनर और ओमिशन मतलब क्या होता है ओमिशन मतलब नेगलेक्ट करना फर्दर कोर्ट ने ये भी बोला ट्रांसजेंडर्स और द थर्ड जेंडर को मैंडेटरी है कि उनको स्पेशल रिजर्वेशन मिले सेकेंडली कोर्ट ने यह भी बोला कि अगर कोई भी एप्लीकेशन आएगी ट्रांसजेंडर से तो ये मैंडेटरी है कि आप उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए अलग से मेरिट लिस्ट बनाओ और ऑन दैट मेरिट मेरिट लिस्ट और इंटर से मेरिट लिस्ट इंटर से मेरिट लिस्ट मतलब अमंग दिम उस मेरिट लिस्ट में से आप ये डिसाइड करो कि किसको एडमिशन दिया जाएगा और किसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा सो दैट वॉज इट फॉर द केस नाउ आई समराइज ऑल द लीगल वर्ड्स जो भी हमने पढ़े वाई डिस्कसिंग द दजमेंट सो द फर्स्ट लीगल वर्ड इज प्ली प्ली मतलब क्या होता है लीगल सूट सेकेंड लीगल वर्ड वॉज पिटिशनर पिटिशनर मतलब वो इंसान जो कोर्ट के सामने केस लेके जाता है थर्ड लीगल वर्ड वॉज इंटाइटल्ड यानी कि जब हमने बोला था कि ट्रांसजेंडर्स और द थर्ड जेंडर इज एंटाइटल्ड फॉर अ स्पेशल रिजर्वेशन सो एंटाइटल्ड हेयर मीन्स हैविंग द राइट किसी का राइट right होना फिर हमने वर्ड पढ़ा ओमिजन, ओमिजन मतलब किसी को नेगलेक्ट करना लास्ट लीगल वर्ड हमने पढ़ा इंटर से जिसका मतलब होता है अमंग टम्स So that was it for the video. We'll see you soon in the next video. Bye. Thank you.